Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics Tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज एक्वायर्ड अ 10% स्टैक इन CSC ग्रामीण ई स्टोर, अ स्पेशल पर्पस व्हीकल रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. किस बैंक को 10% स्टेक मिला है CSC ग्रामीण ई स्टोर में, जो कि बहुत ही स्पेशल पर्पस व्हीकल रन करवा रहे इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर. सो किस बैंक को इसमें 10% मिला है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: HDFC बैंक, ICICI बैंक, RBL बैंक, IDBI बैंक. ओके, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, HDFC बैंक. HDFC बैंक हैज़ एक्वायर्ड अ 10% स्टेक इन CSC ग्रामीण ई स्टोर, अ स्पेशल पर्पस व्हीकल रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट. ओके, HDFC बैंक को मिला है 10% स्टैक CSC ग्रामीण ई स्टोर में. ओके, जो कि एक बहुत ही स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर इसे रन करते हैं. ओके, तो इसका 10% स्टैक इसको मिला है HDFC बैंक को. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 2. रिसेंटली विकेट कीपर बैट्समैन BJ वॉटलिंग हैज अनाउंस्ड ही वुड बी रिटायरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप. He plays from which country? हाल ही में विकेट कीपर और बैट्समैन BJ वॉटलिंग ने बताया है कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के बाद. तो वो किस देश से खेल रहे हैं? सो हेयर आर द ऑप्शंस: न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका. ओके, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड विकेट कीपर बैट्समैन BJ वॉटलिंग हैज़ अनाउंस्ड ही वुड बी रिटायरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर द 3 टेस्ट इंक्लूडिंग द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल अगेंस्ट इंडिया ऑन देयर अपकमिंग इंग्लैंड टूर. इंग्लैंड टूर पे जाने के लिए वो अपने इससे रिटायरमेंट ले रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से. ये न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं BJ वॉटलिंग. So now goes the next question, and here the next question is: who has been sworn in as a new NASA administration? NASA के new administrator किसे बनाया गया है? So here are the options: Floyd McWilliams, Michael Collins, Bill Nelson, Jim Bridenstine. So here the correct answer is Bill Nelson. Florida senator, former Florida senator Bill Nelson was sworn in as 14th head of NASA, hailing a new day for space exploration as the United States seek to return the moon. Okay, so former Florida senator Bill Nelson ने 14th head of NASA के लिए new day, वो बने हैं NASA के 14th head. Okay, hailing a new day for space exploration as US. Okay, so now goes the next question and the next question: recently who was appointed as new executive director of RBI? RBI का new executive director किसे बनाया गया? So here are the options: Dinesh Jain, Miguel Patra, T. Ravi Shankar, Josh J. Kattur. So here the correct answer is option D. Okay, Josh J. Kattur. The Reserve Bank of India appointed Josh J. Kattur as Executive Director with effect from 4 May 2021. The Central Bank said. Central Bank ने बताया कि RBI ने Josh J. Kattur को appoint किया है as the Executive Director, जो कि 4 May 2021 से शुरू है. Okay, so now goes the next question and here the next question is: who was appointed as CEO of National Asset Reconstruction Company? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के न्यू CEO किसे बनाया गया? सो हेयर आर द ऑप्शंस: मनोज जैन, LV प्रभाकर, माधव वैद्य, पद्म कुमार एम नायर. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज पद्म कुमार एम नायर. पद्म कुमार एम नायर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL.
A proposed entity of taking over bad loans of lenders, predominantly public sector banks. पद्म कुमार एम नायर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं NARCL के नेशनल एसेट थे. ओके, सो इन्होंने लेंडर्स के बैड लोन्स और पब्लिक सेक्टर्स बैंक पे एक एंटिटी प्रपोज किया. सो नाउ गो द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली इंद्रनील पाल वाज अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ विच बैंक. हाल ही में इंद्रनील पैन को चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया किस बैंक का. सो आर द ऑप्शन येस बैंक, HDFC बैंक, RBL बैंक, IDBI बैंक. सो आर द करेक्ट आंसर इज येस बैंक. प्राइवेट सेक्टर लेंडर येस बैंक सेड इट हैज़ बीन अपॉइंटेड इंद्रनील पैन एज इट्स चीफ इकोनॉमिस्ट. पैन जॉइंस द बैंक फ्रॉम राइवल IDFC फर्स्ट बैंक. पहले वो कहाँ थे, IDFC फर्स्ट बैंक में थे, और फिर अब उन्होंने पैन ने ज्वाइन किया, इंद्रनील पैन ने एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट ज्वाइन किया है येस बैंक. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CMD ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के न्यू CMD किसे बनाया गया. सो हियर आर द ऑप्शंस, अरुण कुमार सिंह, DK होता, मनोज जैन, के पद्माकर. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अरुण कुमार सिंह. द पब्लिक इंटरप्राइजेस सेलेक्शन बोर्ड द गवर्नमेंट्स हेड हंटर हैज़ पिक्ड अरुण कुमार सिंह एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट रन ऑयल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग फर्म भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL. ओके, पब्लिक इंटरप्राइजेस PCEB ने गवर्नमेंट हेड हंटर ने अरुण कुमार सिंह को बनाया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर BPCL का. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू विन प्रेस्टीजियस सिख जायद बुक अवार्ड. इंडिया का फर्स्ट पर्सन कौन बना जिसने सिख जायद बुक अवार्ड जीता है. सो हियर आर द ऑप्शंस, खलील गोइया, ज्वेरगेन हैबरमस, ईरान मर्सल, ताहिरा कुतुबुद्दीन. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ताहिरा कुतुबुद्दीन. डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू विन द प्रेस्टीजियस शेख जायद बुक अवार्ड. द मुंबई बॉर्न प्रोफेसर वॉन द ऑनर फॉर हर बुक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन विच वॉज पब्लिश बाय ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर ऑफ लंडन इन 2019 में ये बुक पब्लिश हुई. ओके, और ताहिरा कुतुबुद्दीन हैं वो फर्स्ट पर्सन इंडिया के जिन्हें मिला है शेख जायद बुक अवार्ड. सो नाउ गो द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु बिकेम द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू सबमिट माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड्स हाइएस्ट पिक. कौन बने यंगेस्ट पाकिस्तानी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है जो कि दुनिया का सबसे हाइएस्ट पिक है और वो सबसे यंगेस्ट पाकिस्तानी. सो हियर आर द ऑप्शंस, सहरोजे कशीफ, फरूक अब्दुल्ला, अमरीश खान, मोहम्मद अब्दुल हमीद. सो हियर द करेक्ट आंसर इज अ 19-year-old मैन बिकम द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू सबमिट माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड्स हाइएस्ट पिक, ऑप्शन ए, एंड हिज नेम इज शहरोज कशीफ. ओके, 19 ईयर के ये ओल्ड के ये इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है. सो नाउ गोज द टुडेज लास्ट क्वेश्चन. रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप 3 कोस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर्स ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर नेम्ड प्राणवायु एंड स्वस्थ. हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया 3 कोस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर्स ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स का नाम है प्राण वायु और स्वस्थ. सो हियर आर द ऑप्शंस, इसरो, DRDO, BHEL, BEML. सो हियर द करेक्ट आंसर इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन थिरुवनंतपुरम सेड इट हैज़ डेवलप्ड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर्स एंड एन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर एट अ टाइम व्हेन अ शॉर्टेज ऑफ दिस क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स रिजल्टेड इन डेथ ऑफ मैनी COVID-19 पेशेंट अक्रॉस द कंट्री. जब इंडिया में इतने सारे डेथ होने लगे तो तब VCSC इंडिया के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने ये डेवलप किया 3 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जिसका नाम है प्राण वायु और स्वस्थ. ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. सब्सक्राइब आवर ट्रस्ट लॉजिक्स ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोज़ रेगुलरली. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.